अगर आप भी फूडी हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे को दबाना मत भूलना। हेलो फूडीज, स्वागत है आपका फूडी वी में। सो गाइस, आज हम आए कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस पे जो जगह आए हैं बहुत ही ज्यादा शानदार, अमेजिंग और बहुत बढ़िया जगह है। तो हम आए हैं बहुत ही हिस्टोरिक जगह पे जिसका नाम है यूनाइटेड कॉफी हाउस। 1942 से ये कैफे है। जो देख रहे हैं ना उनके पापा भी पैदा नहीं हुए होंगे 1942। सीरियसली नहीं हुए होंगे? तो भूल ही जाओ तुम लोग, तो हमारे भी नहीं हुए। तुम्हारे दादाजी के टाइम का ये चीज है और कनॉट प्लेस तब बना ही है यार 1941 में। कनॉट प्लेस मैंने फोटो देखी हमने, मैंने सुना है कि इसके साथ करियाने की दुकान हुआ करती थी। और लेफ्ट वाली या राइट वाली ये तो पता नहीं भाई, ये तो किराने की दुकान होती है। और ये इंडिया का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे एयर कंडीशन लगा था। तो भाई ख्याल से दुनिया में ही बहुत कम रेस्टोरेंट होंगे उस टाइम जहाँ एयर कंडीशनिंग होगी। 1948 में एयर कंडीशन, 1942 में एयर कंडीशन। हाँ, लाइक बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ी बढ़िया चीज है। अंदर जाके देखते हैं अब खाना कैसा है, कि हिस्ट्री से ही रिलेटेड है या खाना भी स्वाद है। बहुत यू नो एक एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट जगह खाने की। तो लेट्स गो, चलो गाइस। सो फूडीज, फाइनली आ गए हम यूनाइटेड कॉफी हाउस के अंदर। अंदर आके तुझे कैसा लग रहा है मुक्ति? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट पर तुझे क्या हो गया? हेलो भाई, वीडियो इनके पास 700 से भी ज्यादा फूड आइटम है। 700 नहीं होएगा, 70 होएंगे भाई। 700 किताब तो देखो तुम। ओ भाई, तो मेरी साइज की बुक होनी नहीं। लाइक 700 से भी ज्यादा आइटम फूड के अंदर, और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं देख के थोड़ा बहुत ऐसा हो गया हूं कि क्या खाया जाए। बहुत चीज बहुत सही लग रही है। बहुत मुश्किल था हमें डिसाइड करना कि हम खाने में क्या मंगाए, तो हमने बोला शेफ को भाई बेस्ट जो यहाँ का बेस्ट है जस्ट जो आप बेस्ट बना सकते हो वो ले आओ। सो नॉनवेज में मेरे पास आया चिकन चाट एंड लाइक नहीं wow. आप ये मत बताना कि ये क्या है, ये मत बताना गाइस कि ये क्या है। गैस कौन से लड्डू है गाइस, या फिर कोई फ्रूट नजर आ रहा है आपको? ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑरेंज है कोई छोटा सा या कुछ? यार जब हमने ये भी देखी ना, इवन वी वर लाइक ये क्या है यार। हां बट ये है चीज बॉल्स। सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं ये ट्राई करने के। चीज बॉल्स है, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज बॉल्स यार। थोड़ा इट इज नॉट कि बहुत ज्यादा स्पाइसी और मसालेदार, इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। या और सॉल्टेड केक। ऐसा नहीं है कि ये जैसे चीज बॉल है तो चीज पोल होएगा या कुछ, वो नहीं है। आरीगा बिल्कुल सही है, इट्स मोर लाइक अ चीज ब्रेड। चीज ब्रेड या राउंड चीज ब्रेड। इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी यूनिक। इट्स ओके, लाइक आई वोंट से इट्स वेरी गुड बट इट्स ओके। मुझे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर रही हूं कि चीज केक के अंदर से बहुत सारा चीज निकलेगा। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं इसको ऐसे करूंगी अंदर से चीज निकलेगा, बट इसकी जो बेस्ट चीज थी लाइक देखने में ये बिल्कुल डिफरेंट था। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल डिफरेंट है। सो चिकन चाट देखते हैं कैसी है। ऊपर ड्रेसिंग बहुत अच्छे से रखी है। मुझे इसमें ग्रिल चिकन टाइप है, ये लेमन दिख रहा है। भाई सीरियसली बोलूं, टेस्ट इज वेरी गुड बट चिकन चाट इट इज मोर लाइक चिकन सैलेड। चिकन सैलेड होता है वैसा है। मसाला साइड पे तो डाल रखा है, बीच में भी है क्या? बीच में भी है मसाला। ओके, प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी नाइस। आई लव द बाउल, लव द वे दे प्रेजेंटेड इट। लेटस लीव्स है, लेमन है। चिकन चाट, चिकन चाट, नन ऑफ आवर बिजनेस गाइस। तू खाने लगी थी? हां, ये प्रेजेंटेशन देख के खाने लगी थी। मुझे नॉनवेज खाता हुआ देख के इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने मंगा लिया कुछ वेजिटेरियन, जो कि जो तुम्हारे नॉनवेज से भी अच्छा होने वाला है। आई डोंट नो, वो तो आपको खा के पता लगेगा, दिखने में तो है। सो गाइस, दिस इज मशरूम स्ट्रेगनोफ, एक रशियन डिश है। ओके, यूजुअली ये वेज नहीं होता है, इट्स मेनली चिकन बीफ, पर वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शन दे रही है। मशरूम स्ट्रेगनोफ जैसे वेज बिरयानी नहीं होती है, बट
फाइनली हम ट्राई करने लगे हैं ये डिश जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है, प्रेजेंटेशन अगेन सच्ची बोलूं मुझे खुद को लग रहा है कि हां स्वाद होएगी और खुशबू बहुत इवन दो आई स्पोर्ट नॉनवेज बट स्टिल दुखी नहीं है ऐसे इसको देनी है हमने ये देखेगा अरे भैया नॉनवेज लेके आओ कुछ दिस इज सो क्रीमी इट इज ऑन द स्वीटर साइड क्रीमी ओके ऑलिव्स खाने में मुझे स्वीटी पसंद ही नहीं है स्वीटी पसंद नहीं है डेजर्ट्स में पसंद है सुने तेरे को स्वीटी पसंद नहीं है वो स्वीटी क्रीमी टेक्सचर इज सॉफ्ट और साथ ही साथ लाइक यू रिटन व्हाइट सॉस पास्ता राइट हां सो मोर ऑन दैट साइड ये अपना नॉनवेज भी खा लेता हमारा वेज भी खा लेता है बिल्कुल वही है कि खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल थोड़ा बहुत पास्ता से रिजेंबल करता है इट इज वेरी गुड लाइक I like it. Rice की quality बहुत अच्छी है यार. Exactly. खुशबू बहुत ज़्यादा है. Aroma is amazing. And the main thing is I love the way they present everything. That's everything is very presentable. Presentation में तो like कैन से भी ऊपर number है वो मिल जाएंगे. इन्होंने इसके अंदर micro greens भी डाला. Micro. They're using micro greens also. So. चंडीगढ़ में सिर्फ एक दो जगहों पे micro greens डालते हैं. So guys, तुमने Russian मंगाया था ना? Russian खाना मंगा के मुझे चिढ़ा रहे थे. हमने भी रशियन मंगा लिया हमने मंगाया अब चिकन अला कीव जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेशन भाई किसकी बेटर है बहुत ही डिफरेंट है इसकी ज्यादा बेटर है चलो दूर तो बोल नहीं सकते दिख रहा है इट्स वेरी डिफरेंट मतलब कि ऐसे ही मुझे लग रहा है जैसे लेग पीस और इतना मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है भाई क्या कौन सा पीस है ये मैं तो फ्राइज खा रहा ओके नीचे मैश पोटैटोज है एंड ऊपर ये चिकन एक्सोटिक वेजीज है विद फ्रेंच फ्राइज ऑन द साइड्स माय गॉड सो जूसी बाहर चिकन हम्म ये पता क्या है क्रिस्प लेयर है और अंदर और लेयर पता कैसी है ये जैसे केक होता है ना केक को बेक किया है वैसी लेयर है ये बाहर अंदर चिकन है और ये जो चिकन है वाओ यार ये तो मतलब कि क्रिएटिविटी है लाइक सीरियसली एक आर्ट वर्क है जो ये इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है प्रेजेंटेशन में तो इसको 10 में से 10 भाई 10 10 में से 20 इट इज लाइक बोनलेस चिकन अंदर ओ यार सॉफ्ट टेंडर इशक हो गया इशक नीरा इशक ओ भाई तू कहाँ पे बैठा हुआ था छुप के मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया इतना बढ़िया इसको इतना ज्यादा अच्छा लग गया है वो थोड़ी देर में इससे शादी कर लेगा ऐसे खाते हैं चिकन हाथ में पकड़ के अच्छे सुपर गुड ये ऐसा चिकन नहीं है कि मसाले वाला स्पाइसी या कुछ ये प्रॉपर जूसी चिकन विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर एंड एक प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन है ना दिस चिकन बनाया हुआ विद मैश पोटैटोज एंड वेजीज वेजीज और वेजीज वैसे हमने खाई नहीं बट मैश पोटैटो के साथ ये चीज़ भाई देखिए मुंह में पानी आ रहा है जैसे ही मैं इसको खा रहा था व्हाट आई रियलाइज्ड लाइक इसके अंदर चीज़ है सो गाइस दिस इज पूरी अंदर चीज एंड चिकन बोनलेस चिकन साथ में चीज और बस यहाँ पे कहीं पे लेग पीस का इन्होंने ये लुक देने के लिए दिया हुआ है ये तो सीरियसली क्रिएटिविटी है सो गाइस आप देख सकते हो ये आज क्या खाने लगे हैं हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गुलाब जामुन लाइक वाओ साइज इसका अभी जो आपको दिख रहा है उससे ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये प्लेट जो है नीचे से आप अगर देखो तो गोल है तो थोड़ा सा बीच में डीप है ये डीप है सो दिस इज अ डीप प्लेट एंड उसके अंदर ये गुलाब जामुन है और इसका वेट है 500 ग्राम आधा किलो यार प्रेजेंटेशन अगर आप देखो एक ऊपर ये ध्यान से लाइक यू जस्ट नोटिस दिस कितना दिस इज सो क्यूट लुक एट दिस लाइक सो मच ऑफ क्रिएटिविटी आपको बोलते 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 ना मुंह में पूरा पानी आ रहा है ये गुलाब जामुन जिसकी प्राइस है
500 rupees. मेरा तो सारा ध्यान इस टाइम खाने पे है. Like approximately 500 बोला मैंने. It's around 450 उसके बाद tax, तो वो 475 cost करता है. और wow, like wow. Just look at this dripping. इसका नाम जो है ना मेन्यू में वो है काला जाम. Like गुलाब जामुन को पहले काला जाम कहते होते थे. Yeah. And क्या सिर्फ साइज ही बड़ा है या टेस्ट भी अच्छा है? लो एक मिनट, आई वांट टू ट्राई दिस. वाओ यार, बेस्ट पार्ट, वाओ, ये आप देख सकते हो पूरी नीचे चाशनी चाशनी टाइप. वाओ, इट्स ड्रिपिंग गाइस, यू कैन लिटरली फील घी इन इट. ओके, अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग फ्लेवर. ओह वाओ यार, कैन यू फील दैट घी पार्ट? इट्स अमेजिंग. मतलब एक छोटा जो गुलाब जामुन खाते हैं उससे भी आई गेस ये बहुत बढ़िया कंपैरिजन, बहुत बढ़िया. तो गाइस इसी के साथ हम सोचते हैं कि हम बाकी बंदे कौन लेके आए ये खाए जो नहीं. तो गाइस इसी के साथ हम करने लगे अपनी वीडियो समाप्त. तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक कर दीजिए अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं. गाइस सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन बनाएगा, तो उसे क्लिक करना मत भूलिए. होगा कि जब भी हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे आप नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारी वीडियोस इजीली एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो. नॉट रिकॉर्डिंग मी, पाप लगेगा पाप. Thank you.